हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद द चैनल। एसएससी सीजीएल 2019 का तो मेंस होने वाला है। अब हम लोग 2020 में एकदम बेसिक से शुरू करते हैं कि एसएससी सीजीएल को क्रैक कैसे किया जाएगा। मैथमेटिक्स वाला जो पार्ट है, मैथमेटिक्स वाले पार्ट में हम लोग को सोचना होगा कि हम लोग कैसे इसे क्रैक करेंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मैं एकदम बेसिक से सीरीज शुरू करने वाला हूँ। इस सीरीज में स्टूडेंट, जैसे मैं आज टॉपिक उठाऊंगा एल्जेब्रा, तो डेली एक एक लेक्चर अपलोड होगा। आज लेक्चर नंबर 1 अपलोड होगा, फिर लेक्चर नंबर 2, फिर लेक्चर नंबर 3, ऐसे करते करते मैं सीजीएल के सारे लेक्चर इस चैनल पे दूंगा बेसिक से। ठीक है स्टूडेंट, तो एसएससी सीजीएल के सारे टॉपिक, सारे के सारे बेसिक टॉपिक आपको इस चैनल पे मिलेंगे। आप लोग इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो सीजीएल 2020 में क्या क्या बेसिक्स हो सकते हैं उनको समझेंगे। तो आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो एल्जेब्रा है। तो एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। बेसिक का मतलब बहुत ज्यादा बेसिक भी नहीं होगा, कुछ नॉर्मल सा रहेगा, कुछ थोड़ा सा बेसिक रहेगा, लेकिन मैं एज्यूम करूंगा कि आप लोग को थोड़ी बहुत बातें पता है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये सब बेसिक बेसिक बातें पता है। चलिए, तो एल्जेब्रा में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है एसएससी के एग्जाम्स के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जितनी ज्यादा बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे उतना जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो एल्जेब्रा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग एल्जेब्रा को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो आज इस लेक्चर नंबर 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिर लेक्चर नंबर 2 में क्या पढ़ेंगे, फिर लेक्चर नंबर 3 में क्या पढ़ेंगे, सब कुछ डिस्कस होगा एक एक करके। लेकिन ये बेसिक्स है, एडवांस की वीडियोज भी पढ़ती रहेंगी लेकिन ये बेसिक वाली वीडियोज भी चलती रहेंगी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्जेब्रा में सबसे पहला चीज, एक्स प्लस वन बाय एक्स इज इक्वल टू टू। एक्स प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू क्या है, टू है। अगर एक्स प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू टू है, देखिए मैं एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूं और जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए सिर्फ वही। अगर एक्स प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू टू है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, वन होगी। कॉमन सेंस वाली बात है, वन प्लस वन की वैल्यू क्या होती है, वन प्लस वन की वैल्यू होती है टू। तो अगर एक्स प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू टू है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग पहले इसको डिस्कशन को दिमाग में रख लो, x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू टू है तो x की वैल्यू वन होगी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो अब कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप सॉल्व कर ले जाओगे। मान लो अगर आपसे कहा जाए x की पावर 100 प्लस वन बाय एक्स की पावर 100 निकालो, x की पावर 100 प्लस वन बाय एक्स की पावर 100 निकालो तो कितना आ जाएगा, सिंपल सा है, वन की पावर 100 प्लस वन बाय वन की पावर 100 सॉल्व करने पे कितना आएगा, वन प्लस वन इज इक्वल टू टू। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एकदम बेसिक बेसिक से शुरू कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको दिया जाए एक्स प्लस वन बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, एक्स प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू क्या दे दी जाए, माइनस टू दे दी जाए, तो इस केस में एक्स बराबर हो जाएगा माइनस वन। इस केस में सॉरी, हाँ इस केस में एक्स बराबर माइनस वन हो जाएगा क्योंकि माइनस वन कितना होता है, माइनस टू। ठीक है, अब इसके ऊपर चाहे जो भी क्वेश्चन दे दिया जाए, सपोज अगर हम आपको क्वेश्चन दे दें यहां पर, इफ एक्स प्लस वन बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस टू देन एक्स की पावर 99 प्लस वन बाय एक्स की पावर 101 कितना होगा, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्स की पावर 99 मतलब माइनस वन की पावर 99 प्लस माइनस वन की पावर 101। अब ये माइनस वन की पावर ऑड है, तो अगर माइनस वन की पावर ऑड है तो सॉल्व करने पे माइनस वन आएगा, माइनस वन इधर भी आएगा तो सॉल्व करने पे माइनस टू आएगा। तो आई होप आप लोग को आंसर क्लियर हुआ होगा। तो एकदम बेसिक बेसिक और छोटे छोटे लेक्चर देंगे, कोई बहुत बड़े बड़े लेक्चर नहीं देंगे लेकिन बेसिक वाले लेक्चर देंगे। बेसिक लेक्चर्स में से आपको एकदम बेसिक बेसिक बातें बताई जाएंगी जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, और एडवांस की तो वीडियोस में डालता ही रहता हूं अलग अलग, जो भी मुझे अच्छा अच्छा क्वेश्चन मिलता रहता है। चलिए स्टूडेंट, चलिए तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा। आगे इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, आज तो हम लोगों ने सिर्फ इतना ही डिस्कस किया है, आगे हम लोग और भी डिस्कस करेंगे। मान लीजिए अगर आपसे कह दिया जाए एक्स की पावर 181 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 181 बराबर 2 के है। ठीक है, और इस केस में अगर आपसे पूछ लिया जाए एक्स की पावर 999 प्लस वन बाय एक्स की पावर 999, अभी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, वन प्लस वन, वन प्लस वन टू हो गया तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। बस देखिए कॉन्सेप्ट के साथ खेलना, मेरी एक बात ध्यान समझ लीजिए, कुछ नहीं करना होता एग्जाम में, उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार लगाना होता है
और उन क्वेश्चंस पे क्या नए क्वेश्चन बन सकते हैं, बस ये सोचना होता है। ठीक है, एकदम ही नया डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करना है, उन्हीं क्वेश्चंस में से और क्या क्या बन सकता है एग्जामिनेशन में वही आता है। तो ये एलजेब्रा का एकदम बेसिक पार्ट है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आगे एक एक करके आज लेक्चर नंबर 1 दे रहा हूं, फिर ऐसे ही लेक्चर नंबर 2 दूंगा, फिर ऐसे ही लेक्चर नंबर 3 दूंगा, धीरे धीरे शॉर्ट शॉर्ट वीडियो अपलोड होंगी। ठीक है, आप लोगों को भी मजा आएगा और पढ़ने में भी आप लोगों को सहूलियत होगी। ओके स्टूडेंट, तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। ऐसी छोटी छोटी बेसिक बेसिक वीडियोस मैं आपको देता रहूंगा सीरियल वाइज, ताकि आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए और आप लोग को बर्डन भी ना लगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।